देश के कोने कोने से हुनर और हुनरबाजों को ढूंढना ही हमारा काम है, और यही काम करने हम आज आ गए हैं कर्नाटका के एक छोटे से कोस्टल शहर में, जो कि गोवा से थोड़ी ही दूर है और जहाँ कन्नड़ा और कोंकणी दोनों बोली जाती है। इस शहर का नाम है कारवार। कारवार अपने फिशिंग कल्चर के लिए जाना जाता है, जहां सालों से पारंपरिक तरीके से मछली को पकड़ने का काम होता आ रहा है। सुबह सुबह कारवार के बीच पे होते हैं कई मछुआरे, जो कि समुद्र तक से ही ये ट्रेडिशनल फिशिंग या शोर सीन फिशिंग करते हैं। यहाँ हम मिले उदित तुकाराम से, जो कि 30 साल से इसी पद्धति से फिशिंग कर रहे हैं। हमारा बाप ने मेरे को मछली पकड़ने को सिखाया। बारिश के टाइम पे ज़्यादा मच्छी आता है, क्योंकि वहाँ बड़ा लहरें रहते हैं, हवा रहता है, और डैम का पानी समुद्र में छोड़ता है, इसलिए बड़ा मच्छी मिलता है। शोर सीन फिशिंग में किसी मैकेनाइज्ड बोट की जरूरत नहीं होती, तो जाहिर है ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। जो नेट इस्तेमाल होते हैं उन्हें येंडी नेट कहा जाता है। नेट को एक छोटी सी नाव पे डाला जाता है, फिर रस्सी का एक छोर एक एंड पे छोड़ दिया जाता है। बोट समुद्र में एक सेमी सर्कुलर चक्कर लगाती है, जिससे नेट उसी शेप में समुद्र में फैल जाता है। बोट अब वापस छोर पर आती है और अब काम शुरू होता है नेट को किनारे की तरफ खींचने का। जी हाँ, बड़ी मेहनत और हुनर का काम है ये। धीरे धीरे नेट के साथ साथ मछलियाँ भी शोर तक आ जाती हैं। इन मछुआरों ने भले ही साइंस ना पढ़ा हो, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मिला हुआ ज्ञान उनका हुनर निखारता है। हम लोगों को हवा आता है उस टाइम पे, ज्यादा हमको मच्छी मिलेगा करके मालूम पड़ता है, इसलिए तब हम लोग नेट डालते हैं मच्छी के लिए। हवा क्या है, उस तरफ से हवा आएगा तो ज़्यादा मच्छी मिल सकता है, इस तरफ से हवा आएगा तो मौसम खराब रहता है, मच्छी नहीं मिल सकता। हम लोग अभी 2-3 हज़ार मिल सकता है, और बारिश के टाइम पे कह नहीं सकते, 1-2 लाख मिल सकता है 2 महीने में। शोर सीन फिशिंग देखने के बाद जब मैं इस छोर से दूसरे छोर गई, तो नज़ारा कुछ अलग ही मिला। बड़ी बड़ी मैकेनाइज्ड बोट्स, जिनमें पर्सन बोट्स और ट्रॉलर्स भी शामिल हैं। इनमें फिशरमैन समुन्द्र में दूर तक जा सकते हैं, कभी कभी 4-5 दिन तक भी बाहर रहते हैं, जब तक कि मछली ना मिले। मतलब कई बार 5 दिन बोट पर ही रहना पड़ता है उन्हें, और वापस आने पर इन्हीं तट पर लाकर लगती है मछली की बोली, और जो भी खरीदार देता है सबसे ज्यादा दाम, मछली जाती है उन्हीं के पास। 1 टन, 8 टन, कभी कभी 1 टन मछली हाथ आती है, और कभी 2 टन, कभी कभी जब दिन अच्छा होता है तो 10 टन तक भी मिल जाती है। यहाँ के समुद्र में मछलियाँ पकड़ना तो डिफिकल्ट है ही, लेकिन कारवार के बैक वाटर्स में भी कुछ अलग तरह की फिशिंग होती है, और वहाँ हमें मिले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिशरमैन, 73 साल के सदानंद। आप इनकी उम्र पे ना जाइएगा, जाल में मछलियों को फंसाने का हुनर ये खूब जानते हैं। और मजे की बात तो ये है कि उन्होंने ये हुनर सीखा 2004 में, जब वो कारवार के सिविल हॉस्पिटल से एक्स-रे टेक्नीशियन की जॉब से रिटायर हुए। क्या बोले तो, ये जलने का वेट कितना ही रहे तो ये ट्रिक रहता है। ट्रिक से हमारे ये चार फिंगर से, चारों बोट से हम इधर ऊपर से लेके वो ट्रिक में उड़ाते। हाँ, किधर उड़ाए तो किधर नहीं लगेगा, किधर लगेगा, बल्कि वो देख के हम जाल डालते। सदानंद जी की खास बात ये है कि उन्होंने दूसरे फिशरमैन को देख देख कर ही ये हुनर सीखा, और ये अपना नेट भी खुद ही बनाते हैं। यानी एक्स-रे टेक्नीशियन से फिशरमैन और फिर नेट मेकर। भईवा, मतलब सीखने की चाह हो तो सब आसान हो जाता है। पहले पहले थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आया, बाद में इधर जाल मारके मारके हमको हैबिट हो गया। अभी हम केयर नहीं करते, केयर नहीं से हम ये जाल जाल के मच्छी मारते हैं। ये मच्छी हमारे घर में भी बनाता है, और एक्स्ट्रा रहे तो हम किसको भी भेजते। एक बार 2000 भी मेरे तो मिला, एक बार 500 भी मेरे तो मिला 1 घंटे में, और एक बार कुछ नहीं तो भी 100 तो मिलता है, लेकिन खाली नहीं होता है। एक तरफ सदानंद है तो दूसरी तरफ कारवार के ब्रैकिश वाटर्स में सदियों से ट्रेडिशनल फिशिंग करते आ रहे मछुआरे भी, जो अपनी छोटी सी नाव में रोज निकलते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने।
जब अच्छा दिन होता है तो 2000 रुपए तक की फिश हाथ आ जाती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ 500 रुपया ही दिन का मिल पाता है। भाई वो भी कुछ कम नहीं है। मैं इधर 15-16 साल से मछली पकड़ रहा हूँ। इधर का मछली ताजा फ्रेश मिलता है ना, फटाफट सेल होता है। चाहे समुन्द्र में हो या ब्रैकिश वाटर में, मछुआरों की जिंदगी मछली पर ही निर्भर है, और इस सेक्टर में उनके हुनर को पहचान दिलाने और रोजगार को बढ़ाने का बीड़ा उठाया है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। In the marine fisheries sector, we have a job role to recognize the skills available with the existing fishermen through a recognition of prior learning program. We have also got different layers of manpower working in the marine fisheries sector, like marine fishing boat drivers and fishing boat mechanics and electronic equipment technician. So many other layers of people are involved, up to fish retailers in the sector. So we are slowly trying to develop manpower by reskilling and upskilling so that skilled manpower is available for the marine fisheries sector also. अरे वाह, सिर्फ एक फिशरमैन का ही काम नहीं है इस सेक्टर में, बल्कि और भी कई रोजगार मिल सकते हैं। तो फिर आप भी पकड़िए, अरे मछली नहीं, इस हुनर का रास्ता, और बन जाइए हुनरबाज। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 0880005555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत कुशल।